Hello everyone, welcome to Mining World. आज हम लोगों का टॉपिक है एक्सप्लोजिव्स। अगर आप लोगों को इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो माइनिंग वर्ल्ड का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन ये आता है कि माइनिंग में एक्सप्लोजिव्स किस लिए यूज होता है। इसका आंसर है हार्ड रॉक्स, कोल या ओर तोड़ने के लिए, जिसको हम इकोनॉमिकली मैनुअल पावर से तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव एक सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस या फिर उन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें सफिशियंट हीट, फ्लेम, स्पार्क या फिर शॉक अप्लाई करने से वो सब्सटेंस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस में कॉन्वर्ट हो जाता है बहुत ही कम समय के अंदर। एक्सप्लोजिव्स का मेन क्वालिटी ये होता है कि बहुत ही कम समय के अंदर ये अपने आप को एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस में कॉन्वर्ट करने में सफल होता है। इसी क्वालिटी की वजह से बहुत ही हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे हार्ड रॉक्स, कोल या फिर ओर तोड़ा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के अलावा एक एक्सप्लोजिव में और क्या क्या होता है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इन्ग्रीडियंट्स ऑफ एन एक्सप्लोजिव। जनरली एक एक्सप्लोजिव का मेन तीन इन्ग्रीडियंट्स होता है, ऑक्सीडाइजर, फ्यूल एंड सेंसिटाइजर। ऑक्सीडाइजर एक एक्सप्लोजिव के अंदर जो जो रिएक्शंस होता है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी होता है, दैट्स वाई एक्सप्लोजिव्स के अंदर ऑक्सीडाइजर का होना बहुत ही ज़रूरी है, इससे एक्सप्लोजिव्स को ऑक्सीजन मिलता है। कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजर का एग्जाम्पल है एमोनियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज फ्यूल्स। कुछ कॉमन फ्यूल्स का एग्जाम्पल है स्टार्च, शुगर, फ्यूल ऑयल, ग्लाइकोल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज सेंसिटाइजर्स। एक्सप्लोजिव में सेंसिटाइजर्स ऐड किया जाता है एक्सप्लोजिव को कैप सेंसिटिव या फिर बूस्टर सेंसिटिव बनाने के लिए। सेंसिटाइजर्स दो तरह का होता है, एक्सप्लोजिव सेंसिटाइजर एंड नॉन एक्सप्लोजिव सेंसिटाइजर। एक्सप्लोजिव सेंसिटाइजर का एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन एंड नॉन एक्सप्लोजिव सेंसिटाइजर का एग्जाम्पल्स है एल्यूमिनियम, मिथाइल एमाइन नाइट्रेट, हेक्सामिन एट्सेट्रा। एक्सप्लोजिव्स का कुछ और इन्ग्रीडियंट्स होता है, जैसे कि स्टेबिलाइजर्स, फ्लेम डिप्रेसेंट एंड एंटीसेटिंग एजेंट। स्टेबिलाइजर्स का एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एट्सेट्रा। फ्लेम डिप्रेसेंट का एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड एट्सेट्रा। एक्सप्लोजिव्स में एंटीसेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है केकिंग ऑफ सॉल्ट्स प्रिवेंट करने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स को दो क्लास में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट लो एक्सप्लोजिव एंड सेकेंड हाई एक्सप्लोजिव्स। लो एक्सप्लोजिव। लो एक्सप्लोजिव एक मैकेनिकल मिक्सचर है दो और उससे ज़्यादा सब्सटेंस का, जिसमें से कोई भी सब्सटेंस खुद एक एक्सप्लोजिव नहीं है। इसमें एक फ्यूल एंड एक ऑक्सीडाइजर रहता है। लो एक्सप्लोजिव्स में अगर हम फ्लेम अप्लाई करें तो ये जलता है, लेकिन अगर हम इसको कॉन्फाइंड प्लेसेस में फ्लेम अप्लाई करें तो ये एक्सप्लोड होता है। मैकेनिकल मिक्सचर मतलब एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें चीज़ें परफेक्ट प्रोपोर्शंस में नहीं रहता है। इस मिक्सचर में केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गन पाउडर, जो कि एक एग्जाम्पल है लो एक्सप्लोजिव्स का। गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर रहता है। गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट है 75%, चारकोल है 15% एंड सल्फर है 10%। गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइजर की तरह एक्ट करता है, चारकोल एंड सल्फर कॉम्बसिबल मैटर की तरह एक्ट करता है। दिवाली के टाइम हम लोग जो पटाखा फोड़ते हैं उसमें गन पाउडर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे गन पाउडर के प्रोडक्ट ऑफ कम्बसन के बारे में कुछ डाटा दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाई एक्सप्लोजिव्स। हाई एक्सप्लोजिव्स एक केमिकल कंपाउंड होता है, जिसमें फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर डायरेक्टली कंबाइंड होता है।
इसमें ऐसा एक इंग्रेडिएंट ज़रूर रहेगा जो खुद एक एक्सप्लोजिव है। हाई एक्सप्लोजिव्स का एनर्जी ज़्यादा होता है एंड वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन भी बहुत ही ज़्यादा होता है। लो एक्सप्लोजिव्स में फ्लेम की स्पीड हाई एक्सप्लोजिव्स की तुलना में बहुत ही कम है एंड एक्सप्लोजन एनर्जी भी बहुत कम है। हाई एक्सप्लोजिव्स का एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, अमोनियम नाइट्रेट, TNT, NFO एट्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हाई एक्सप्लोजिव्स एंड लो एक्सप्लोजिव्स। लो एक्सप्लोजिव्स को फ्लेम, हीट और स्पार्क से इग्नाइट किया जाता है। हाई एक्सप्लोजिव्स को वायलेंट शॉक, जिसको हम डिटोनेशन भी बोलते हैं, उससे डिटोनेट किया जाता है। सेकेंड वाला पॉइंट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लो एक्सप्लोजिव्स का फ्लेम की स्पीड बहुत कम होता है एंड हाई एक्सप्लोजिव्स में VOD वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। लो एक्सप्लोजिव्स में ऑक्सीडेशन प्रोसेस पार्टिकल टू पार्टिकल प्रोपागेट होता है। हाई एक्सप्लोजिव्स में ये इंस्टेंटेनियस होता है। लो एक्सप्लोजिव्स हीबिंग इफेक्ट देता है एंड हाई एक्सप्लोजिव्स सैटरिंग इफेक्ट देता है। एक्सप्लोजन के टाइम जो प्रेशर जेनरेट होता है वो लो एक्सप्लोजिव में कम होता है एंड हाई एक्सप्लोजिव में ज़्यादा होता है। लो एक्सप्लोजिव्स के पार्टिकल्स एक्सप्लोजन के बाद बहुत लंबे समय के लिए बर्न होता है, बट हाई एक्सप्लोजिव्स के पार्टिकल्स बहुत कम समय के लिए बर्न होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर आपके पास कोई फीडबैक या सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों को कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू अगेन।